हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान गौ सेवा आयोग अध्यक्ष मेवाराम का भव्य स्वागत अभिनंदन। गौ वंश के संरक्षण एवं संवर्धन को राज्य सरकार कृत संकल्प जैन। राजस्थान गौ सेवा आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष मेवाराम जैन ने कहा कि राज्य सरकार सदैव गौ वंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हर समय तत्पर है। उन्होंने कहा कि गौ सेवा आयोग गौपालन विभाग के माध्यम से गौशालाओं को समृद्धिशाली बनाने में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देगा। राज्य गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद प्रथम बार बाड़मेर आगमन पर जैन का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। जैन का जोधपुर से बाड़मेर आगमन पर जगह जगह स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। जिला सीमा से लेकर डोली, अराबा, कल्याणपुर, सरवड़ी, चारलाई, पचपदरा, जसौल, नाकोड़ा, बालोतरा, आसोतरा, खेड़, बायतू में बड़ी संख्या में लोग जैन के स्वागत को तत्पर रहे। इस दौरान जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनकी गौ सेवा के मद्देनजर उन पर ये विश्वास जताया है, जिस पर वो खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप राज्य में गौ वंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आयोग सतत प्रयत्नशील रहेगा एवं अकाल के दौरान गौ वंश को बचाने में कहीं भी धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। इस मौके पर जैन ने कहा कि वर्तमान में अकाल के हालात में सरकार पशुधन के संरक्षण को तत्पर है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं गौशाला संचालकों से आह्वान किया कि वे पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला संचालन करने के लिए आगे आएं, ताकि नंदी गौशालाओं की स्वीकृति की जा सके। उन्होंने कहा कि पशुधन संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने गौशालाओं में छोटे पशुधन के लिए 16 से बढ़ाकर 20 रुपए व बड़े पशुधन के लिए 32 से बढ़ाकर 40 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अनुदान स्वीकृत किया है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में गौशालाओं में 6 माह से बढ़ाकर 9 माह तक अनुदान करने की प्रक्रिया राज्य स्तर पर प्रक्रियाधीन है। गौ सेवा आयोग अध्यक्ष ने कहा कि गौशाला संचालकों की मांग को देखते हुए सरकार ने अनुदान प्रक्रिया में सरलीकरण किया गया है, जिससे भी गौशाला संचालकों को राहत मिली है। उन्होंने गौशाला संचालकों को विश्वास दिलाया कि उनके भूमि आवंटन के मामले में राज्य सरकार प्रशासन से सहयोग करवाकर उनका निस्तारण किया जाएगा। वहीं निरीक्षण के माध्यम से भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नंदी गौशालाओं के संचालन के लिए गौशाला शुरू करते ही 9 माह का अनुदान चालू कर दिया जाएगा। उन्होंने गौपालन विभाग के गौपालन विकास योजना का प्रचार प्रसार करने एवं इसका लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि इस योजना में गौशाला संचालन को 3 शेड निर्माण के लिए 10 लाख रुपए के अनुदान देने का प्रावधान है। इसके लिए गौपालन विभाग में गौशाला का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने गौशाला संचालकों को हर समय सहयोग देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने गौशाला संचालकों को गौ माता की सेवा पूर्ण ईमानदारी के साथ करने का आह्वान किया एवं कहा कि वे बधाई के पात्र हैं कि वे गौधन संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। जैन ने कहा कि राज्य सरकार पशुपालकों के सहयोग के लिए सदैव कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अकाल की स्थिति में पूर्व में भी बहुतायत मात्रा में पशु शिविर एवं चारा डिपो खोलकर पशुधन का संरक्षण किया। वहीं गौशालाओं के माध्यम से भी पशुधन का संरक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि इस बार भी अनावृष्टि की स्थिति को देखते हुए सरकार हर स्तर पर पशुधन संरक्षण के लिए पूरा सहयोग करेगी एवं इससे किसी प्रकार की धन की कमी नहीं आने देगी। उन्होंने कहा कि पूर्व के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने गोपालन विभाग का अलग से गठन कर गौशाला संचालकों को तोहफा दिया है। उन्होंने गौशाला संचालकों को विश्वास दिलाया कि उनकी हर स्तर पर गौ सेवा के लिए मदद की जाएगी। इस दौरान जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, नगर परिषद सभापति दीपक माली ने भी जैन का स्वागत करते हुए उनकी गौ सेवा की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। जैन सभी जगह मंदिरों में पूजा अर्चना की एवं गौशाला में गायों को अपने हाथों से गुड़ खिलाया।
जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।